हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीडीएस के बारे में, जिसके मेरे पे लास्ट एक महीने से कमेंट आ रहे हैं, डीडीएस बताओ, डीडीएस बताओ, डीडीएस बताओ। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम एम करते हैं 500 लाइक का, तो लाइक का बटन दबाते हुए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पेशेंट का फर्स्ट डायलिसिस है, ब्लड फ्लो रेट हमने रखा 180 ml/min और डायलिसेट जो रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 300 ml/min रखा है। अब देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल आया था डीडीएस का, क्योंकि इसमें ही यूरिया का रिडक्शन हो रहा है डायलिसर के अंदर। ठीक है, ब्लड से यूरिया कहाँ जा रहा है, डायलिसेट की तरफ मूव कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस के अंदर। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपको डीडीएस इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, थ्योरेटिकली आपको इतना अच्छा समझ में आएगा ना। आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज देखी होंगी, जो आपको कंटेंट एक थ्योरेटिकली मिल गया है कि लिखा हुआ कंटेंट है, वो आप गूगल से भी देख सकते हो या फिर आप वो लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो। बट इस वीडियो में जो आपको समझ में आएगा ना, ये एकदम खत्म वाला सीन है डीडीएस में। और डीडीएस में ना समझ में आया ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या मैसेज कर देना कि आपकी समझाया हुआ समझ में नहीं आया। तो लेट सपोज फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट डायलिसिस पे आया और उसका आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये रहा उसका डायलिसर। डायलिसर आपको बताया कैसे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ। उसमें क्या होता है, उसमें आप देखते हो ये सारी ब्लड स्ट्रीम है। ठीक है, इसके अंदर से क्या है, ब्लड पास हो रहा है। और ब्लड के अंदर क्या है, पहली बार पेशेंट आया डायलिसिस पे, तो नॉर्मल सी बात है, उसका जो ब्लड के अंदर जो यूरिमिक वेस्ट है वो ज़्यादा है। क्या है, यहाँ पे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट जितना भी है ये ब्लड के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, डायलिसेट मूव कर रहा है आपका, जिसमें आरओ वाटर पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, तीनों चीज है। और तो क्या होता है, इसमें आपका डिफ्यूजन काम करता है। डिफ्यूजन कैसे काम करता है, जो ब्लड के अंदर आपके वेस्ट है यूरिमिक वेस्ट, वो शिफ्ट होंगे कहाँ पे, डायलिसेट की तरफ। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन है किसकी, यूरिमिक वेस्ट की, और डायलिसेट के अंदर नहीं है, तो ये सारे शिफ्ट होंगे। डीडीएस होता कैसे है, एक्चुअल में क्या है डीडीएस, इसमें हम देखेंगे। देखिए क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी चीज यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब ब्लड के अंदर क्या हुआ, जैसे इसमें मेन हम देखते हैं यूरिया। ठीक है, यूरिया इसके अंदर मेन हो जाता है, तो यूरिया में अगर आप देखोगे, यूरिया क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट हुआ सारा डायलिसेट के अंदर। ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या हुआ, यूरिया की कंसंट्रेशन कम हो गई, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन कम हो गई। अब देखिए ब्रेन से इसका क्या कनेक्शन है डीडीएस का। ठीक है, बहुत बड़ा रिलेशन है इन दोनों का आपस के अंदर। अब देखिए ब्रेन के अंदर भी क्या है, यूरिया की कंसंट्रेशन है। ठीक है, ब्रेन की जो सेल्स हैं, ठीक है, ब्रेन की जो सेल्स हैं उनके अंदर भी यूरिया की कंसंट्रेशन सेम है, और जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स जहाँ पे ब्लड मूव कर रहा है बॉडी के अंदर, वहाँ भी कंसंट्रेशन एकदम सेम है फिलहाल के लिए। ठीक है, जब तक वो डायलिसिस पे नहीं आए। ड्यूरिंग डायलिसिस क्या हुआ, यूरिया की कंसंट्रेशन किसके, ब्लड के अंदर कम हो गई, लेकिन ब्रेन की जो ऑस्मोलरिटी है वो हाई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन सेल है उसमें जो ऑस्मोलरिटी है वो हाई रहेगी, तो जो सोल्यूट पार्टिकल है, अभी यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल क्या है, यूरिया है, तो वो अभी ज़्यादा कहाँ है, ब्रेन के अंदर, तो जो वेसल्स का फ्लूड है, वाटर है, वो शिफ्ट हो जाएगा किसमें, ब्रेन के अंदर, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट के अंदर शिफ्ट होगा, मेन कौन सा, सेरेब्रम पार्ट होता है उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या, एडिमा हो जाएगा। तो यही आपका, जो एडिमा होने के बाद जो भी पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, वही आपका कहलाता है डीडीएस। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो मेन चीज होती है वो देख लेते हैं। तो अब नोट्स के साथ देख लेते हैं, काफ़ी बच्चे नोट्स मांगते हैं इसलिए नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी हो जाती है, और एक्चुअल में वो हो कैसे रहा है ये ज़रूरी हो जाता है। और यार तुम लोग इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिखा रहे हो चैनल के ऊपर, वीडियोज़ के ऊपर, क्या होता ना कि यूट्यूब पर चैनल तो हर कोई बना लेता है, बट ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना ना सबसे बड़ी बात हो जाती है। काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और उन्हें रिप्लाई भी मिलता है जो वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोगों का भी कोई डाउट रहता है तो इंस्टा पे मैसेज कर दिया करो, और हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, हम जो लाइक कायम रखते हैं वो सभी कंप्लीट करते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। तो डीडीएस हमने अभी क्या पढ़ा है, सेम वही चीज़ नोट्स में आ जाती है, बस थोड़ा ये होता है कि काफ़ी बच्चों को नोट्स चाहिए होता है। डिफाइन एज अ सेट ऑफ सिस्टमेटिक एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दैट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होते हैं इनके अंदर, नोजिया वोमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, हाइपरटेंशन, स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मतलब आपका समझ में आएगा वर्बल रेस्पॉन्स कैसा है पेशेंट का। ठीक है, स्लर्ड स्पीच हो गया आपका, वर्बल रेस्पॉन्स कैसा है, जब आप उसे कोई भी चीज़ पूछोगे ना पेशेंट से तो आपको वो सही से जवाब नहीं दे पाएगा। सीजर कोमा आप लोगों को बताइए, मसल्स क्रैम्प, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंट हो जाएगा, बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएगा, विजुअल डिस्टर्बेंस भी होगी और दिखने में भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोज क्या क्या होते हैं डीडीएस के, स्लो ट्रांसफ़र ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्रेन टिश्यू टू द ब्लड। देखो अभी क्या बताया गया था
स्लोवर ट्रांसफर ऑफ यूरिया, सेम वही चीज निकल गया है जो मैंने अभी आपको समझाया था। ब्रेन के अंदर क्या है, अभी यूरिया है, जब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा ब्लड के अंदर तब तक क्या होगा, उसकी ऑस्मोलरिटी ज़्यादा रहेगी, तो उसमें क्या होगा, ब्रेन के अंदर फ्लूड शिफ्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। इसलिए अगर यूरिया फास्ट, जितने स्पीड से ब्लड से रिमूव हो रहा है उतनी स्पीड से ब्रेन से ब्लड में जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए पेशेंट का फर्स्ट टाइम डायलिसिस स्लो किया जाता है। फिलहाल हम देखते हैं, फ्लूड शिफ्ट इनटू द ब्रेन ड्यू टू रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग सेरेब्रल एडिमा, जो अभी ऊपर बताया सेम वही चीज़ आगे नीचे, ठीक है। रैपिड चेंज इन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली इन न्यू पेशेंट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितने से अगर ऊपर है तो चांस ज़्यादा है, 150 से, ठीक है। BFR अगर ब्लड फ्लो रेट अगर हाई है तो भी चांस है, डायलिसर साइज इज़ बिग। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि कभी कोई पेशेंट आए, अगर आप सोचो उसका अच्छा डायलिसर लगा देते हैं क्लियरेंस अच्छी होगी तो ये नहीं करना चाहिए, उससे DDS के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट टाइम टू लॉन्ग, ठीक है, ज़्यादा लंबा समय का नहीं करना चाहिए, इसलिए आप लोगों को बताया 2 से या 2.5 आर का किया जाता है डायलिसिस फर्स्ट टाइम। ट्रीटमेंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ट्रीट द सिम्टम, इसका देखो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट पूछा जाता है, सबसे बड़ी बात है आपको जो जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो ट्रीट करते चले जाओ, ठीक है, बस यही इसका एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको आप ट्रीट करते चले जाओ। बस एक दो इंजेक्शन है जो इसमें मेन पूछे जाते हैं, एक मैनिटोल हो गया वो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। फिलहाल हम देखते हैं, मॉनिटर न्यू पेशेंट केयरफुली फॉर हाइपरटेंशन, तो भी अलर्ट रहना है कि पेशेंट रेस्टलेसनेस तो नहीं है, स्पीच मेंटल एंड चेंजिंग तो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया डिसओरिएंट हो जाएगा, ठीक है, वो भी आपको चेंज देंगे। वर्बल रेस्पॉन्स कैसा है उसका, ट्रीट हेडेक, हेडेक को आपको ट्रीट करना है, और आपको ब्लड फ्लो रेट कम कर देना है, बल्कि पेशेंट अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपको दिखती है तो सीधा ब्लड ही रिटर्न कर दो, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है बट आपको प्रैक्टिकली क्या करना है, सीधा आपको ब्लड ही रिटर्न कर देना है, डायलिसिस ही बंद कर देना है, ठीक है। प्रिवेंशन इसका क्या हो सकता है, एक्सिस न्यू पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, डॉक्टर क्या करेगा स्टार्ट करने से पहले उसका इलेक्ट्रोलाइट्स एक बार चेक करेगा, प्रोफाइल कैसी है उसकी, टाइम फॉर फर्स्ट फ्यू ट्रीटमेंट्स, ठीक है, जो पहली बार ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो कम टाइम का होना चाहिए, यूज ए स्मॉलर डायलिसर लोअर BFR डायलिसर, कम एफिशिएंसी का यूज करना है, जो ज़्यादा एफिशिएंट ना हो वो यूज करना है, ब्लड फ्लो रेट कम होना चाहिए, शॉर्टर डायलिसिस टाइम क्योंकि अभी ऊपर ही बताया था, ठीक है। तो ये इसके प्रिवेंशन हो गए, मैनिटोल हो गया वो मेन इसमें क्वेश्चन, मोस्टली मैनिटोल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो इंजेक्शन एक ऐसा है डायलिसिस में जो सिर्फ DDS में यूज किया जाता है, ठीक है, बाकी तो मेडास वगैरह हो गया सीजर में दिया जाता है और बाकी आपके इंजेक्शन एज पर डॉक्टर एडवाइस के देने होते हैं, ठीक है। तो ये DDS मुझे लगता है आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और हम इस वीडियो पे एम करते हैं कितना, 500 लाइक का, तो सभी लाइक जरूर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।